हमनीकॉम उर्दू आईटी अकेडमी में एथिकल हैकिंग बेसिक्स के कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन टू कोर्स आउटलाइन है। मेरा नाम सुहेल आलम है और मैं यहाँ पर ट्रेनर हूँ इस कोर्स के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई डिस्क्लेमर और कुछ गाइडलाइंस पे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस कोर्स को पढ़ने से पहले। नंबर 1 थिंग इज़ के यू ऑलवेज नीड टू बी एथिकल विद द स्किल सेट, जो कि इस कोर्स को पढ़ने से आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। इन केस के अगर आप किसी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उर्दू आईटी अकेडमी एंड ट्रेनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड थिंग के यू ऑलवेज नीड टू टेक द परमिशन वेदर इन राइटिंग और इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट बिफोर पेन टेस्टिंग एनी नेटवर्क दैट यू डोंट ओन। मीन्स के वो नेटवर्क जिसके आप ओनर नहीं है, वो सिस्टम जिसके आप ओनर नहीं है, आप उस नेटवर्क पे कभी पेन टेस्टिंग नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस के आपके पास ओनर का कंसेंट ना हो, ओनर की परमिशन ना हो। लास्ट थिंग के दिस कोर्स इज़ इंटेंडेड फॉर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस ओनली। इस कोर्स के मुतालिक थोड़ी बात कर लेते हैं कि देखें, ये जो कोर्स है जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि किसी भी नेटवर्क पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिक लेवल की पेन टेस्टिंग कर सकें। और फिर इस कोर्स को पढ़ के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंडस्ट्री में पेन टेस्टिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं और पेन टेस्टिंग की जो है रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। एंड में आखिरी लेक्चर जो होगा, हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इस कोर्स को पढ़ के फिर हम जो एडवांस पेन टेस्टिंग के कोर्स बनाएंगे वो भी आपको काफ़ी, मतलब ये कोर्स फ़ायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। कोर्स में हम ये देख लेते हैं कि भाई हम एथिकल हैकिंग बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि वाई वी नीड एथिकल हैकर्स। तो देखिए जी, यू ऑलवेज नीड सम गुड गाइज टू स्टॉप द बैड गाइज। ये एक प्रैक्टिस है। कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट करी हुई हैं। नंबर 1 के टू फाइट टेररिस्ट वी नीड मिलिट्री, टू कैच थीव्स वी नीड पुलिस। मतलब के टेररिस्ट आर द बैड गाइज एंड मिलिट्री आर द गुड गाइज। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है, थीव्स आर द बैड गाइज एंड पुलिस आर द गुड गाइज। तो टू स्टॉप साइबर क्रिमिनल्स हमारे पास कौन होने चाहिए? हमारे पास एथिकल हैकर्स होने चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स आर द बैड गाइज जिनको हैकिंग स्किल सेट आती है, जिनको हैकिंग आती है। एंड एथिकल हैकर्स आर द गुड गाइज जो कि सेम स्किल सेट पोजेस करते हैं एज ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स या एज ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। और ये एथिकल हैकर्स वो होते हैं कि जो ब्लैक हैट हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स को रोकते हैं। कोर्स आउटलाइन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारे इस कोर्स में 6 मॉड्यूल्स होंगे। पहला मॉड्यूल होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। इसमें हम ये देखेंगे कि हैकिंग क्या है, हैकर कौन होता है, हैकर की टाइप्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हैकिंग होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। CIA ट्राइड को समझेंगे और फेजेस ऑफ हैकिंग को समझेंगे। फिर कुछ हैकिंग इंसिडेंट्स के ऊपर बात करेंगे। देन हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग हैकिंग वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स पे। इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे, वेब हैकिंग और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे और सिस्टम एंड नेटवर्क हैकिंग पेन टेस्टिंग को समझेंगे। बल्कि ये कोर्स जो है हमारा इन डिटेल सिस्टम और नेटवर्क पेन टेस्टिंग के ऊपर ही है। थर्ड, हम एंड्रॉयड ऐप पेन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग समझेंगे। और लास्टली हैशिंग, एन्क्रिप्शन और एनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि इनमें की डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमारा तीसरा मॉड्यूल होगा सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर और हम इसमें सोशल इंजीनियरिंग के साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंड सोशल इंजीनियरिंग को समझेंगे। एक लैब करेंगे जिसमें स्पूफ्ड ईमेल जनरेट करेंगे, उसको सेंड करेंगे और रिकमेंडेशन एंड फिक्सचर्स के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इंजीनियरिंग को किस तरह से रोका जा सकता है। चौथा मॉड्यूल हमारा सिस्टम हैकिंग के ऊपर होगा। जो मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे कि हमारा जो ये वाला सिस्टम एंड नेटवर्क पेन टेस्टिंग का, यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे थे, इधर हम सिस्टम हैकिंग के ऊपर पूरी प्रैक्टिकल लैब करेंगे। पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रैक्टिकल लैब करेंगे। हम इस लैब के अंदर काली लिनक्स को डिप्लॉय करेंगे। एक हमारी विंडोज़ लैब होगी, उसको डिप्लॉय करेंगे और विंडोज़ 7 को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, मेटसप्लाइट यूज़ करेंगे। काली लिनक्स के जितने भी टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे जिसके अंदर एन मैप आ जाएगा, वाइशाक आ जाएगा, और भी सिस्टम असेसमेंट के जितने टूल्स होते हैं वो यूज़ करेंगे, एंटी वायरस को अवेट करेंगे, सिस्टम के बैकडोर्स देखेंगे क्या हो सकते हैं, और फिर रिकमेंडेशन एंड फिक्सचर्स पे बात करेंगे कि जो हमने मशीन हैक करी वो हैक हो गई, क्यों हैक हो गई, क्या ऐसे कंट्रोल्स थे जो कि हम इन प्लेस होते तो ये मशीन हैक नहीं हो सकती। ठीक, फिर हमारा जो है पांचवा मॉड्यूल आ जाएगा नेटवर्क स्निफिंग एंड स्पूफिंग का। इसमें हम स्निफिंग और स्पूफिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आप पॉइजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं अपना जो मेरा जो लोकल नेटवर्क है इसमें लैन नेटवर्क को स्निफ करूँगा और नेटवर्क पे कुछ हम पासवर्ड्स वगैरह को, क्रेडेंशियल्स को गैदर करने की कोशिश करेंगे और DNS अटैक्स के ऊपर बात करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ DNS अटैक्स करेंगे भी, और लास्ट हम रिकमेंडेशन और फिक्सचर्स पे बात करेंगे। फिर हमारा आखिरी मॉड्यूल होगा वायरलेस हैकिंग का। वायरलेस हैकिंग के मॉड्यूल में हम वायरलेस हैकिंग को समझेंगे कि वायरलेस हैकिंग किस तरह से हो जाती है। हम एक वायरलेस नेटवर्क जो कि WPA2 विथ प्रीशेड की चल रहा होगा उसको हैक करेंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और देन हम रिकमेंडेशन और फिक्सचर्स पे बात करेंगे कि किसी भी कॉर्पोरेट में वायरलेस नेटवर्क को किस तरह मज़ीद सिक्योर बनाया जा सकता है। अच्छा जी, जब हम ये 6 मॉड्यूल्स कर लेंगे तो हमारा जो एथिकल हैकिंग का जो बेसिक्स का जो कोर्स है, एथिकल हैकिंग बेसिक्स का जो कोर्स है, ये कम्प्लीट हो जाएगा। और ये जो मैंने ये बंदा लगा दिया है यहाँ पे, ये जो है इतना खुश लग रहा है क्योंकि इसने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम वेब हैकिंग एंड पेनिट्रेशन का एक कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके अंदर हम वेबसाइट हैकिंग को इन डिटेल पढ़ेंगे। इस कोर्स में हमने सिर्फ वेब हैकिंग की टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करी थी। यहाँ पर जो ये आ रहा है, वेब हैकिंग की टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करी थी। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम इन डिटेल वेब हैकिंग के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे और प्रैक्टिकली इसमें लैब भी करेंगे। जब हमने इस कोर्स में जो कि हैकिंग बेसिक्स का कोर्स है, इसमें जब हमने वेब हैकिंग की बेसिक्स समझ ली होंगी तो हमें एडवांस कोर्स में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। फिर उसके बाद हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम पेन टेस्टिंग के कोर्स में जाएंगे। फिर जो है हो सकता है कि हम आगे फिर कोई कोर्स और भी लॉन्च करें, लाइक API पेन टेस्टिंग का या कोई भी कोर्स हो सकता है। और अच्छा, सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी तक उर्दू IT अकेडमी पे जितनी भी सर्टिफिकेशन, जितने भी कोर्सेज आए हैं वो उन ज़्यादातर वो किसी ना किसी एक सर्टिफिकेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, सिस्को के जो कोर्सेज़ हैं वो सारी सिस्को की सर्टिफिकेशंस को टारगेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ICND 1, ICND 2 मिलके CCNA को टारगेट कर रहे होते हैं, फिर CCNP राउटिंग स्विचिंग एंड सो ऑन, CCNA सिक्योरिटी। सारे जब आप कोर्स कोई एक सीरीज़ कंप्लीट करते हो तो आप उसके एंड में इतने कैपेबल हो जाते हो कि कोई एक एग्ज़ाम दे के वो सर्टिफिकेशन अचीव कर लो। तो ये वाला जो कोर्स है एथिकल हैकिंग बेसिक्स का, अगर आप ये प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हो तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि जो है सी ई एच का जो है आप एग्ज़ाम दे लो, और अगर थोड़ी और मेहनत करो तो आप OSCP भी कर लोगे। मींस के जब आप ये 2 कर लेंगे तो ये 2 करने के बाद तो आप इजीली ये तीनों ही निकाल लेंगे, ये तीनों कोर्सेज़ निकाल लेंगे। और इसके अलावा और भी अगर कोई पेन टेस्टिंग की सर्टिफिकेशन हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। अच्छा, इस कोर्स में मेरी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी स्टूडेंट है उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, वो बोले कि यार मुझे हैकिंग सीखनी है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हैकिंग सीखनी है, वो ये समझ रहे होते हैं कि हैकिंग में जो है हम फेसबुक का या email ID कोई हैक करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कोर्स पढ़ेंगे और इसमें जो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट इतनी बेसिक्स पता हो कि OSI मॉडल क्या होता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सिस्टम के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP UDP क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, लिनक्स की बेसिक्स पता हो, बेसिक कमांड्स पता हो, शेडो फाइल क्या होती है, ETC की डायरेक्टरी क्या होती है, विंडोज़ की बेसिक्स कुछ पता हो कि विंडोज़ सर्वर क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, डोमेन कंट्रोलर क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले जाएँ सिस्को के कोर्सेज़ में जो शुरू की जो आपकी CCNA की जो वीडियोस हैं ICND 1 की, वैसे तो बेहतर ये है कि आप लोग सारी देख लें, आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर सारी नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ इस कोर्स के लिए देखनी है, तो एटलीस्ट ICND 1 पूरा देख लें। उसमें आपको नेटवर्किंग की पूरी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, OSI मॉडल क्लियर हो जाएगा, नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP क्या है, UDP क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिमिलरली लिनक्स का जो कोर्स हमारे पास उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो जाएं, वो देखें। शुरू की जो है 8 से 10 वीडियोस देख लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गैदर करें। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के और डोमेन कंट्रोलर के जो भी हमारे पास कोर्सेज पड़े हुए हैं, उनकी आप कुछ नहीं 6 से 7 वीडियोस हर कोर्स की देखें। उससे होगा ये कि आपको आइडिया होगा कि चल क्या रहा है, और फिर आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि ये कोर्सेज आप कर सकें, एथिकल हैकिंग बेसिक का कोर्स आप कर सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन इंडस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये जब आप एथिकल हैकिंग बेसिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या पोजीशंस होती हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या रोल्स होते हैं। तो पहला रोल जो मैंने लिखा हुआ है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंटल हेड होता है, और इसकी जो सी लेवल पोजीशन होती है वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या सीसो भी हम कहते हैं। हम इसको सीसो भी कहते हैं। फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट, इसका जो काम होता है कंप्यूटर्स, अगर कोई साइबर क्राइम हो जाए या कोई मालवेयर किसी नेटवर्क में आ जाए, तो इसका काम होता है एनालिसिस करना और फॉरेंसिक्स करना। पेनिट्रेशन टेस्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। सारे रोल्स पे मैं बात नहीं कर रहा, कुछ रोल्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि हम ये कोर्स पढ़ के पेनिट्रेशन टेस्टर बनने जा रहे हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर का काम होता है कि वो पेन टेस्टिंग करता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करता है, सिक्योरिटी गैप्स आइडेंटिफाई करता है और उनको पैच कराता है। लास्टली IT सिक्योरिटी कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं कंसल्टेंट भी हूँ और पेन टेस्टर भी हूँ। कंसल्टेंट का काम एडवाइजरी भी होता है कि अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए होती है या कंसल्टेंसी चाहिए होती है कि हम सिक्योरिटी को, अपने सिक्योरिटी पोस्चर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। अच्छा, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैंने सामने स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, दो ये मैंने ख़ुद भी कहीं से कॉपी करें, और ये कहते हैं कि द डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल विल इंक्रीज टू अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ग्लोबली बाई 2019। और ये पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का जो एक रिसर्च पेपर था, मैंने वहाँ से कॉपी करा है। तो ये कहते हैं कि बाय 2019 6 मिलियन, मतलब वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है हमारी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक्सीड कर जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बूम आने वाला है, उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। सेकेंड, मैंने सिस्को के जो है जो रिसर्च पेपर था वहाँ से ये कहीं से कॉपी करा है, और ये कहते हैं कि देर विल बी 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स बाय 2021। मतलब बाय 2021 3.5 मिलियन ऐसी पोजीशंस होंगी साइबर सिक्योरिटी की जो कि अनफिल्ड होंगी, अब फ्रॉम एन एस्टिमेट ऑफ 1 मिलियन बाय सिस्को। मतलब 2014 में सिस्को ने एक फोरकास्ट दी थी कि भाई 2021 तक जो है 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन होंगी। अच्छा जी, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक के पेज पे भी लाइक करके वहाँ पे भी हमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एथिकल हैकिंग का जो है पहला मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे, और टिल देन See you.